कहानी की शुरुआत होती है जी यूक नाम के एक आदमी से जो मुश्किल से मुश्किल ताले और तिजोरियां तोड़ने में माहिर था। बेशकीमती चीजें चुरा कर उन्हें बेचना ही उसका काम था। वो अपना काम इतनी चालाकी से करता था कि अब तक 100 चोरियां करने के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया। एक दिन अपने मिशन पर वो एक बिल्डिंग में घुसकर करोड़ों की कीमत वाला एक पत्थर चुराने की तैयारी कर रहा था। इस तिजोरी में कई मुश्किल ताले थे और इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जी युग भैया के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। वो ताले तोड़कर पत्थर चुराने में कामयाब हो गया और सारे गार्ड्स को चकमा देकर बाहर भी निकल गया। लेकिन बाहर निकलते ही गलती से उससे वो बेशकीमती पत्थर टूट गया। बेचारे की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वैसा ही हूबहू डिजाइन बनाकर नया पत्थर तैयार कर लिया। फिर वो उसे बेचने के लिए एक मशहूर दुकान में गया, लेकिन दुकानदार को देखते ही पता चल गया कि ये नकली है और उसने जी युग से कोई भी लेन देन करने से साफ मना कर दिया। लेकिन जी युग भी जानता था कि ये दुकानदार आम तौर पर तो नकली चीजें बेचता है और इसलिए उसने पुलिस के सामने दुकानदार की पोल खोलने की धमकी दे दी। हार कर दुकानदार को वो पत्थर लेना ही पड़ा। जीयूक का बेस्ट फ्रेंड गोइन भी उसका पार्टनर था। उसकी खासियत थी कि वो मामूली सी चीजों में भी विस्फोटक फिट कर लेता था। इस चोरी के बाद जीयूक ने नकली नोट छापने का फैसला किया। उसने हूबहू नोट तैयार कर लिए, लेकिन उन पर शराब डालते ही अक्षर मिट जाते थे। जब बात नहीं बनी तो उन दोनों ने हीरों की एक दुकान लूटने का फैसला किया जिसमें लगभग 3 करोड़ का माल था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि दुकान में चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगे थे। कैमरास को हैक करने के लिए उन्हें एक जबरदस्त हैकर की जरूरत थी, तो इस काम में उनका हैकर होगा जैंग बे। उसके बारे में अफवाह थी कि एक बार उसने पैसों के बदले अपने ही साथियों की मुखबरी पुलिस को कर दी थी, लेकिन फिर भी जीयूक और गोइन ने उस पर भरोसा करके उसे अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद जीयूक की दोस्ती यूना नाम की एक लड़की से हो गई जो ऐसी कीमती चीजों की एक्सपर्ट थी। दोनों घूमने गए जहां जीयूक ने उसके गले का हार देखा जो यूना के पिता ने उसे तोहफे में दिया था। इसके बाद वो दोनों एक ज्वेलरी की दुकान पर उस हार की जांच करवाने गए, जहां उन्हें पता चला कि उस हीरे की कीमत लाखों में है। उसी वक्त सबसे नजरें चुरा कर जीयूक ने एक बैग सोफे के नीचे खिसका दिया और वहां से चलता बना। फिर वो एक और दुकान से जांच कराने गए और वहां भी यही नतीजा निकला। ये वही दुकान है जहां जीयूक चोरी करने का प्लान बना रहा है। उसने याद रख लिया कि सीसीटीवी कैमरा कहां कहां लगे हैं, कितने कमरे हैं और कितने गार्ड्स मौजूद हैं। अंत में उसने हिसाब लगाया कि उन्हें 10 मिनट के अंदर अंदर ये चोरी पूरी करनी होगी। चोरी वाले दिन डीयूक जो बैग दुकान में छोड़कर गया था उसमें विस्फोट हो गया, जिससे सारे गार्ड्स का ध्यान भटक गया। उसी वक्त जैंग बे ने अपने शातिर दिमाग से सारे सीसीटीवी कैमरास हैक कर लिए ताकि जीयूक और गोइन अंदर जा सकें। उसने अलार्म सिस्टम भी बंद कर दिया जिससे तिजोरी को हाथ लगाने पर गार्ड्स को बिल्कुल पता ना चले। लेकिन जितना टाइम उन्होंने सोचा था गार्ड्स तो उससे पहले ही लौट आए, पर गोइन ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उनका ध्यान भटकाए रखा। उधर जीयूक तिजोरी से सारे हीरे चुराकर फरार हो गया। बाद में तीनों ने मिलकर जमकर जश्न मनाया। अगले दिन हीरों के मालिक चो को चोरी की खबर मिली तो वो आग बबूला हो गया, लेकिन वो इन चोरों की काबिलियत से इम्प्रेस भी हो गया था कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी में से भी हीरों पर हाथ साफ कर गए। चो असल में एक करोड़पति बिजनेसमैन और एक गैंगस्टर था जिसने न जाने कितने लोगों का खून किया था। वो खुद भी एक बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा था और इसलिए उसे ऐसे ही शातिर चोरों की तलाश थी। उसने कई किडनैपर्स और ताला तोड़ने वालों को टेस्ट किया, लेकिन कोई भी उसके काम के लायक नहीं था। लेकिन अब वो समझ गया था कि जिन चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया है वो उसके काम में बिल्कुल सही बैठेंगे, इसलिए उसने अपने सारे आदमियों को इन चोरों को ढूंढने में लगा दिया। अगले कुछ दिनों तक उसके आदमियों ने हर हीरे की दुकान पर नजर रखी और जल्द ही उन्हें जीयूक और उसके ठिकाने का पता चल गया। चो ने उन तीनों से मुलाकात की और अपनी चोरी में हिस्सेदार बनाने के लिए उन्हें 5-5% कमीशन देने का वादा किया। वैसे इनके पास ज्यादा चॉइस है नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मना किया तो चो इनके पूरे परिवार को मार डालेगा। आखिरकार जीयूक मान गया और चो ने उन्हें बताया कि लगभग 150 करोड़ का काला धन शिप के जरिए कोरिया में आने वाला है। जहां ये शिप आकर रुकेगी वहां दुनिया का सबसे तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके लिए चो ने उन्हें फूड कूपन्स दिए। चो चाहता है कि वो तीनों इन फूड कूपन्स का इस्तेमाल करके इस चोरी को अंजाम दें। इसके बाद जीयूक ने प्लान बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उसकी आज तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी।
उधर चो ने जैंगबे को अलग से बुलाकर उसे ज्यादा पैसे देने का वादा किया ताकि वो जियुक और गोइन पर नजर रखे, क्योंकि आखिर कोई चोरों पर भरोसा करे तो करे कैसे। उधर पुलिस अभी भी हीरों के चोर को ढूंढ रही थी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि जियुक ने ही वो बैग दुकान में रखा था। वो उसका पता ढूंढकर जियुक के घर में घुस गए, जहां उन्होंने उसकी अगली चोरी का सारा प्लान देख लिया। यहां से पुलिस को एहसास हो गया कि वो चो से मिला हुआ है। चोरी से पिछले दिन जियुक और गोइन पोर्ट पर जाकर विस्फोटक और सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के डिवाइसेस रखाए। अपने ठिकाने पर लौटकर जियुक ने गोइन से कहा कि वो चो को धोखा देके सारा पैसा खुद ही क्यों नहीं रख लेते। लेकिन जैंगवे को उनके प्लान के बारे में पता चल गया और उसने चो को सारी खबर दे दी। चो को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जियुक से बाद में निपटने का फैसला किया, क्योंकि अभी उसे उसकी जरूरत है। इसके बाद जियुक ऊना से मिलने गया, लेकिन वो उसके यूं अचानक गायब हो जाने से बहुत नाराज थी। जब वो नहीं मानी तो जियुक ने बताया कि उसके पिता ही उसके गुरु थे। यूना का बाप मिस्टर ओ ही वो आदमी था जो जियुक को इस चोरी की दुनिया में लाया। एक समय पर ओ चोरी चकारी छोड़कर एक आम जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसी दिन उसके बिजनेस पार्टनर चो ने उसे मार डाला। यूना को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं हुआ और वो वहां से चली गई। कुछ ही देर में चो के आदमी उसे किडनैप करके ले गए ताकि जियुक उससे गद्दारी ना कर सके। फिर चोरी को अंजाम देने का दिन आ गया और सारे चोर पोर्ट में घुसने में कामयाब हो गए। उधर से चो ने विस्फोटक में धमाका कर दिया, जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटक गया। मौका देखकर जैंगवे ने सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया और वहां के लोगों को लगा कि इस प्रॉब्लम को तो वो 40 मिनट में ठीक कर देंगे। अब जियुक और गोइन के पास काफी टाइम था। वो तिजोरी के पास गए और जियुक ने अपनी काबिलियत से ताला खोल लिया। अब उनके सामने पैसों का ढेर लगा हुआ था। बिना समय गवाए उन्होंने अपने ट्रक में पैसे भरने शुरू कर दिए और बदले में चो के दिए फूड कूपॉन्स रख दिए। धमाके की खबर सुनते ही पुलिस वहां आ पहुंची और उन्होंने पोर्ट को चारों ओर से घेर लिया, जिस वजह से जियुक अपने साथियों के साथ बाहर नहीं निकल पाया। उधर चो ने आकर जियुक पर बंदूक तान दी, क्योंकि उसे जियुक की गद्दारी का पता चल गया था। चो ने यूना का हार दिखाकर कहा कि वो उसके कब्जे में है। उसकी जान बचाने के लिए जियुक ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वो पानी में कूद गया और पीछे से पुलिस वाले उस पर गोलियां दागने लगे। उनमें से एक गोली उसे लग भी गई। उसके हाथ में जो बॉम्ब था वो भी फट गया, यानी कि ये साफ था कि वो मर चुका है। जब गोइन को इसका पता चला तो वो अपने दोस्त को खोकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन जैंगबे खुश था क्योंकि अब उसे जियुक के हिस्से के पैसे भी मिल जाएंगे। तभी उन दोनों में बहस छिड़ गई और जैंगबे ने चाकू से गोइन का खून कर दिया। आखिरकार पैसों से भरा ट्रक चो के यहाँ पहुंचा, लेकिन उसके अंदर सिर्फ फूड कूपॉन्स भरे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी जियुक का कॉल आया, जो एकदम ठीक था। अब सारे पत्ते खुलने लगते हैं कि असल में शुरुआत से जो जो हुआ वो सब जियुक के प्लान का ही एक हिस्सा था। जियुक चो से मिस्टर ओ की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले उसने जो नकली पत्थर बेचा उसमें एक माइक्रोफोन फिट कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि चो वहां अक्सर खरीदारी करने आता था। उसके प्लान के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ और चो ने वो पत्थर खरीद लिया। उसकी बातें सुनकर जियुक को पता चला कि चो एक शातिर चोर की तलाश में है, तो उसने जानबूझकर हीरे चुराए ताकि वो चो की नजरों में आ सके। पूरा टाइम चो को लगता रहा कि वो जियुक को ढूंढ रहा है, लेकिन जियुक खुद ही उसके लिए सबूत छोड़ रहा था। जैंगबे भी जियुक का ही साथी था और वो बस चो के साथ होने की एक्टिंग कर रहा था। जियुक को पकड़ने आई पुलिस भी फर्जी थी, और तो और उसे लगने वाली गोली भी नकली थी। बेसिकली वो चो को चू बना के भाग गया। उधर पुलिस ने मरने का नाटक कर रहे गोइन को भी बचा लिया, और चो को पैसे के नाम पर कुछ मिला तो वो था ठेंगा। ऊपर से जियुक ने पुलिस को उसकी खबर भी दे दी। पुलिस चो के अड्डे पर पहुंची, जहां चो के आदमियों और पुलिस में मारामारी शुरू हो गई। वहीं जैंगबे ने यूना को कैद से रिहा करवा लिया। अपने प्लान को चौपट होता देखकर चो भी वहां से भाग निकला। जियुक के आदमी फूड कूपन से भरा ट्रक भी ले गए, हालांकि उसकी कोई खास कीमत नहीं थी। लेकिन फिर हमें पता चला कि ये कूपन असल में वही पैसे हैं जो उन्होंने चुराए थे। जब वो ट्रक में पैसे भर रहे थे तो उन्होंने जियुक की नकली नोट बनाने वाली मशीन से उन्हें फूड कूपन्स बनाकर प्रिंट कर लिया। अब जैसे ही उन पर शराब पड़ेगी वो फिर से असली नोट बन जाएंगे। इसका मतलब पूरा टाइम पैसे चो की आंखों के सामने ही थे, लेकिन वो उन्हें पहचान ही नहीं पाया। आखिरकार जियुक ने चो की गाड़ी को टक्कर मार कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने ठिकाने पर कूपन्स पर शराब छिड़क कर उन्हें पैसों में बदल दिया।
अब इतनी बड़ी चोरी की है तो जीयूक कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया। एक दिन जीयूक ने यूना को पैसों से भरा एक बैग भेजा जिससे वो दुबई में एक आर्ट गैलरी शुरू कर सकती है, जो कि हमेशा से उसका सपना था। वो दुबई पहुंची और वहां उसे एक म्यूजियम में अपना हार दिखा। तभी अपने जीयूक भैया की एंट्री हुई और दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।